आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि आप IDBI बैंक में ऑनलाइन एक जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट डिजिटल ऑनलाइन कैसे ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर बैठे आपकी फुल KYC भी हो जाएगी वीडियो KYC के थ्रू, और आपको कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव दिखाऊंगा कि IDBI बैंक में ऑनलाइन एक जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट आप कैसे ओपन कर सकते हैं। IDBI बैंक में ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए आपको IDBI का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना है, IDBI बैंक गो मोबाइल प्लस। ये ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसे आप ओपन करेंगे, आपसे जो परमिशन मांगेगा यहाँ पर परमिशन अलाउ करेंगे, और यहाँ पर आपको लैंग्वेज मिल जाएगी किस लैंग्वेज में आपको फॉर्म फिल करना है, जैसे यहाँ पर मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए मिल जाएगा आपको मोबाइल एप्लीकेशन लॉगिन करने के लिए, और यहाँ पर नीचे ऑप्शन आपको मिल जाता है ओपन सेविंग अकाउंट, यहीं से आप एक सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ओपन सेविंग अकाउंट वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आपसे जो परमिशन मांगेगा यहाँ पर आप परमिशन अलाउ करेंगे, और परमिशन अलाउ करने के बाद यहाँ पर देखिए थोड़ा प्रोसेसिंग लेता है, आप वेट करेंगे। यहाँ पर आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे, जैसे वीडियो KYC के थ्रू आपका अकाउंट ओपन होगा। यहाँ पर आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल अपनी शेयर करनी है, यहाँ पर आपको कंसेंट देना है, यहाँ पर 18 ईयर से प्लस आपका एज होना चाहिए, यहाँ पर जितनी भी आपकी टर्म एंड कंडीशन है सभी को आपको एक्सपोज, यहाँ पर आपको टिक मार करना है पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन आप नहीं है, यहाँ पर आपको कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है, सभी पर टिक मार्क करना जरूरी है। अब यहाँ पर कुछ आपको अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ पर फिल करनी है, जैसे टाइटल सबसे पहले आप अपना चूज करेंगे, उसके बाद एप्लीकेंट का यहाँ पर नेम देना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, और यहाँ पर लास्ट नेम। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी, तो यहाँ पर आप ईमेल आईडी डाल देंगे, उसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पर मोबाइल नंबर मिल जाएगा, मोबाइल नंबर डालेंगे, इंटर योर आधार मोबाइल नंबर, आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा वही मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद आप कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको कुछ अपनी पर्सनल डिटेल फिल करने के बाद कंटिन्यू करना है, और कंटिन्यू करने के बाद आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक रहता है उस पर ओटीपी सेंड किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि ओटीपी यहाँ पर सक्सेसफुली आपके नंबर पर सेंड कर दिया गया है, तो यहाँ पर चेक करेंगे तो आपको ओटीपी यहाँ पर देखिए रिसीव हो गया 8858823। तो यहाँ पर हम ओटीपी डालेंगे 8858823, ये हमने ओटीपी डाला, और यहाँ पर वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हमारा ओटीपी यहाँ पर वैलिडेट हो जाएगा, और उसके बाद कंटिन्यू ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू करेंगे थोड़ा वेट करेंगे, यहाँ पर आपका ओटीपी वेरीफाई होगा। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर ओपन एन अकाउंट वीडियो KYC, यहाँ पर मोबाइल या फिर डेस्कटॉप में आपको कैमरा माइक्रोफोन को एक्सेस करने के लिए परमिशन अलाउ करना है, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए आपके पास, आधार कार्ड, ओरिजिनल पैन कार्ड, और फिर ब्लैक व्हाइट शीट पेपर होना चाहिए, और ब्लू या ब्लैक कलर का पेन होना चाहिए, यहाँ पर ब्लैंक व्हाइट पेपर शीट होना चाहिए। यहाँ पर कंटिन्यू ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, ये सब चीजें आपको फुलफिल करनी है तभी यहाँ पर आपको वीडियो KYC करनी है। पेन कार्ड रेडी रखना है, एक व्हाइट कलर का पेपर शीट रखना है, ब्लैक या ब्लू पेन रखना है, और उसके बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पर पेन डिटेल, यहाँ पर आप अपने पेन कार्ड का नंबर डालेंगे, यहाँ पर वैलिडेट पेन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका पेन कार्ड वैलिडेट होगा। उसके बाद यहाँ पर आप कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका पेन कार्ड का डिटेल्स यहाँ पर फेच करेगा। यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपके आधार कार्ड पर जो नाम रहेगा वही नाम आपके पेन कार्ड पर होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पर जो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अगर आपके मिसमैच है पेन कार्ड और आधार कार्ड पर नाम, तो आपको यहाँ पर चेंज करा लेना है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर नाम आ रहा है एज पर पेन कार्ड, यहाँ पर आपके पेन कार्ड पर क्या नाम है यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ पर हमने नाम डाल दिया। यहाँ पर हम कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जो भी नाम है हमने यहाँ पर डाला हुआ है, तो यहाँ पर योर पेन कार्ड के रिकॉर्ड के अनुसार आपका क्या नाम है, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा पेन कार्ड, यहाँ पर मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा, यहाँ पर नाम वगैरह, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पर आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर आपकी डिटेल्स यहाँ पर वेरीफाई होगी, थोड़ा आप वेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मिल जाएगा इंटर योर आधार, तो यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, वैलिडेट आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका आधार कार्ड वैलिडेट होगा। यहाँ पर देखिए आधार कार्ड वैलिडेट होने बाद एक्शन कम्प्लीटेड सक्सेसफुली आ जाएगा, यहाँ पर कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक रहता है उस पर ओटीपी सेंड किया जाएगा, सक्सेस ओटीपी सेंड सक्सेसफुली, आपके जो भी आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर रहता है उस पर ओटीपी सक्सेसफुली सेंड कर दिया जाता है। यहाँ पर हम ओटीपी डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका ओटीपी वेरीफाई सक्सेसफुली हो जाएगा, तो यहाँ पर आप कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, सबसे पहले यहाँ पर फादर नेम मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको मदर नेम मिल जाएगा, तो यहाँ पर फादर नेम डालेंगे, उसके बाद नीचे यहाँ पर मदर्स नेम डालेंगे, और यहाँ पर मदर्स मैटर नेम मिल जाएगा। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ चेक करेंगे तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ बाय डिफॉल्ट आपके आधार कार्ड से मैच कर लेता है। मटेरियल स्टेटस मिल जाएगा, यहाँ पर सिंगल या फिर मैरिड आप डालेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको मिल जाएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालेंगे। रिलीजियस मिल जाएगा, आप हिंदू हैं मुस्लिम हैं। उसके बाद कैटेगरी मिल जाएगी, आप कैटेगरी चूज करेंगे।
नीचे यहाँ पर रेजिडेंस आपको मिल जाएगा, स्टेटस यहाँ पर आपको कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस मिल जाएगा, एज पर आधार कार्ड, आपके आधार कार्ड पर जो एड्रेस रहता है यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। नीचे यहाँ पर मेलिंग एड्रेस और आपको परमानेंट एड्रेस सेम रखना है, तो यहाँ पर टिक मार्क करेंगे और यहाँ पर आप कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट डिटेल मिल जाएगी, ऑक्यूपेशन मिल जाएगा, यहाँ पर आप क्या करते हैं तो यहाँ पर आप ऑक्यूपेशन डाल देंगे, जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट डाल देंगे, एम्प्लॉय नेम डाल देंगे, एम्प्लॉयर का नाम क्या है। तो यहाँ पर मिल जाएगा सोर्स ऑफ इनकम, तो यहाँ पर आप सोर्स ऑफ इनकम डाल देंगे और यहाँ पर नीचे आपको मिल जाएगा ग्रॉस एनुअल इनकम, तो ग्रॉस एनुअल इनकम यहाँ पर आप डाल देंगे, कितना आपका ग्रॉस एनुअल इनकम है। तो यहाँ पर जैसे ग्रॉस एनुअल इनकम आपको मिनिमम यहाँ पर 35,000 डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर टोटल आप डाल देंगे कितना हो जाता है ग्रॉस एनुअल इनकम, यहाँ पर 3500 है, यहाँ पर 3500 डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपका एनुअल इनकम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद नॉमिनेशन मिल जाएगा, अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यस करेंगे, अगर नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते तो नो पर क्लिक करके कंटिन्यू कर लेंगे। हम यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो यस करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नॉमिनी का नेम मिल जाएगा, तो यहाँ पर नॉमिनी का नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर कैलेंडर पर क्लिक करके यहाँ पर कैलेंडर से आप जो है तो नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ कन्फर्म करेंगे। उसके बाद नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है यहाँ पर रिलेशनशिप कन्फर्म करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर नॉमिनी का एड्रेस मिल जाएगा, तो यहाँ पर कंप्लीट नॉमिनी का एड्रेस डालेंगे, यहाँ पर आप कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सिटी बोल रहा है तो यहाँ पर सिटी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर टैक्स रेजिडेंस डिटेल मिल जाएगा, यहाँ पर कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया रहेगा, स्टेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप चूज कर लेंगे जो भी आपका स्टेट रहेगा जहाँ पर आप टैक्स पे करते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ मिल जाएगा, तो यहाँ से प्लेस ऑफ बर्थ डाल देंगे और यहाँ पर कंटिन्यू ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट अकाउंट टाइप मिल जाएगा, यहाँ पर अकाउंट टाइप चूज कर लेंगे कौन सा अकाउंट यहाँ पर आप ओपन करवाना चाहते हैं, जैसे यूथ सेविंग अकाउंट जो 18 साल से 30 साल के बीच के हैं वो यूथ सेविंग अकाउंट यहाँ पर चूज करेंगे और यहाँ पर आपको रेगुलर यूथ सेविंग अकाउंट पर यहाँ पर 25 रुपए का फंड मेंटेन करना पड़ेगा। यहाँ पर और भी सेविंग अकाउंट है, जैसे सेविंग अकाउंट है यहाँ पर देख सकते हैं 5000 यहाँ पर बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। इसके साथ ही सीनियर सिटीजन है, वुमेन्स सेविंग अकाउंट है तो 5000 फंड मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप यूथ सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, केवल आपको 2500 फंड मेंटेन करना पड़ेगा और यहाँ पर आप कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट ब्रांच मिल जाएगा, यहाँ पर स्टेट मिल जाएगा, तो यहाँ से स्टेट डालेंगे आप जो भी आपकी स्टेट रहेगी। तो जैसे स्टेट यहाँ पर मध्य प्रदेश मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली, यहाँ पर स्टेट आ जाएगा, ऐसे स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सिटी आ जाएगी, जो भी आपकी सिटी रहेगी, आपकी सिटी पर जितनी भी ब्रांचेस रहेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगी, जैसे हमारे सिटी पर जो ब्रांच है यहाँ पर हमको सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर हम अपनी सिटी की ब्रांच यहाँ पर चेक करेंगे, हमें यहाँ पर ब्रांच मिल गई, यहाँ पर ब्रांच हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ब्रांच का नेम मिल जाएगा, तो यहाँ से ब्रांच नेम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे ब्रांच नेम सेलेक्ट करेंगे तो ब्रांच आईडी और यहाँ पर जो आरपीयू नेम है बाय डिफॉल्ट आ जाएगा और यहाँ पर बीसीएफ कोड ये सब छोड़ देंगे आप यहाँ पर, और यहाँ पर ये सब कोड वगैरह आपको छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, इसे आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर चैनल सर्विसेज आ जाएंगी, आपके अकाउंट पर आपको क्या क्या सर्विस लेनी है, जैसे चेकबुक चाहिए तो यहाँ पर टिक मार्क करना है, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम डेबिट कार्ड, स्टेटमेंट चाहिए ईमेल पर, तो ये सब चीजें आपको चाहिए। और उसके बाद आपके डेबिट कार्ड पर आपको क्या नाम चाहिए यहाँ पर नाम आप डाल देंगे, उसके बाद कंटिन्यू ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद वीडियो केवाईसी ऑप्शन आ जाएगा, यू कैन कैरी आउट वीडियो केवाईसी, आपको सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक अपनी वीडियो केवाईसी कंप्लीट करनी है। अगर आपको इंस्टेंट वीडियो केवाईसी करनी है तो यस स्टार्ट माय वीडियो केवाईसी करना है, अगर आपको शेड्यूल बुक करना है नो आई वांट टू शेड्यूल इट लेटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहां पर शेड्यूल भी कर सकते हैं। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे, कंटिन्यू ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, रिक्वेस्ट डेट मिल जाएगी, जो भी डेट को आपको वीडियो केवाईसी करना है वो डेट यहां पर आपको सिलेक्ट करना है, जैसे यहां पर 31 की डेट यहां पर कैलेंडर मिल जाएगा, कैलेंडर से यहां पर हम डेट कंफर्म कर देते हैं और उसके बाद यहां पर रिक्वेस्टेड टाइम मिल जाएगा, जो भी टाइम स्लॉट पर यहां पर आप वीडियो केवाईसी करना चाहते हैं तो यहां पर आप टाइम स्लॉट यहां पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पर आप कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका शेड्यूल सक्सेसफुली बुक हो जाएगा। तो यहां पर थोड़ा आप वेट करेंगे, देख सकते हैं यहां पर मैंने डेट सेलेक्ट किया और यहां पर रिक्वेस्टेड जो टाइम था मैंने टाइम स्लॉट भी यहां पर बुक कर लिया और एक बार जो भी टाइम स्लॉट आप बुक करेंगे उस टाइम स्लॉट पर आपको वीडियो केवाईसी कंप्लीट करनी पड़ेगी। यहां पर देख सकते हैं यहां पर वीडियो केवाईसी का रिक्वेस्ट सक्सेसफुली लग जाएगा और आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आप आईडीबीआई बैंक में ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कैसे आपको वीडियो केवाईसी कंप्लीट करनी है। आई होप दोस्तों कि छोटा सा वीडियो आपका भी पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, मन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां भी मैसेज कर सकते हैं। नीले जीरो